एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले किस तरीके से हम गिटअप पर अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो बिना देर के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली क्या है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5 लाख सिटीज के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सिटीज के साथ प्लेसमेंट हो जाता है, तब आपको न्यूटन स्कूल को पे करना पड़ता है, मतलब पहले प्लेसमेंट उसके बाद आपको पेमेंट। तो न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यही था। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा गिटअप पर अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, दो अपने गिटअप के अकाउंट यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। एक हमारा होगा टारगेट अकाउंट, जिसमें अपन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, और जो सेकंड अकाउंट होगा जिससे हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उस अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट अकाउंट ये वाली चीज़ है। ओके, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, और जो यहाँ पे मैं सेकंड क्रिएट कर रखा हूँ ये डेमो के तौर पे क्रिएट कर रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रखा है, या मैं आपको शो कर देता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट में अपन इसको ये चीज़ करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे मैं कंप्लीट स्क्रीन में करके इसको अपन यूआरएल चेक करते हैं इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इसको गिटअप पेज पे इसको डिप्लॉय कर रखा था। यहाँ पे इसके लिंक पे आते हैं वापस से। ओके, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका बूटस्ट्रैप टेम्पलेट यूज किया हुआ है, और ये कंप्लीट लेआउट तैयार किया हुआ है। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म में यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म नहीं आ रहा है ना, हम यहाँ पे क्या करने वाले, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ऐड करने वाले हैं एज ए कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, तो इससे क्या होगा कि हम इस प्रोजेक्ट में अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो वापस से आता हूँ मैं इस वाली रेपो पे। ओके, और इस वाली रेपो पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो जिससे आपको अच्छी तरीके से वाली चीज़ें समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे मेरा ये यूज़र नेम है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पे मेरा इसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में इस आईडी में, और जो ये वाली जो मेरी लेफ्ट साइड में जो चीज़ें आ रही है, यहाँ से मैं इसको कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी इसका यूज़र नेम है, इसको सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इस यूज़र नेम को। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट में अपन क्या करने वाले हैं, कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, जो भी आपका ये वाला प्रोजेक्ट है हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले इस वाली चीज़ पे आना है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो मेरा इसका भी प्रोजेक्ट हो गया जो मेरे यहाँ पे मैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, और जो ये वाला है, ये वाली चीज़ें मेरी जिसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट जैसे इससे मैं कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। ओके, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आना है सबसे पहले आपको फोक पे। तो फोक से क्या होगा कि जो भी आपकी दूसरे जो भी आपका दूसरा अकाउंट है ना, उसके एक पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट है दूसरे अकाउंट पे, उसका एक पूरा कॉपी बन जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं फोक पे क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी चीज़ें फोक हो रही हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि गगन दत्त, और जो यहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट नेम था वो सेम एज इट इज आ गया, और जहाँ से मैंने इसको फोक किया है इस वाली आईडी से मैंने इसको फोक किया है। ठीक है, तो मतलब एक जो मेरा जो दूसरे गिटअप अकाउंट में जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका एक पूरा का पूरा कॉपी बन जाता है इस तरीके से, फोक करने से ये वाली चीज़ें हो जाती है। ओके, और अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें हम चेंजेस करेंगे, और इन चेंजेस को अपन क्या करेंगे, वापस से उसको पुल रिक्वेस्ट के तौर पर उसको भेजेंगे, और वो एक्सेप्ट हो जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी ये मेरा कोड है, इसको सबसे पहले मैं अपने लोकल सर्वर पे लेके आता हूँ, मतलब हमारे लोकल रेपो पे लेके आता हूँ, और इसमें मैं चेंजेस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो इसका यूआरएल है इस वाली को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और वापस से अपने गिट बेस के टर्मिनल में आता हूँ। ओके, गिट बेस के टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे सीडी करता हूँ डेस्कटॉप पे आता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ गिटअप से। ओके, यहाँ से क्रिएट करने के बाद इसको यहाँ पे मैं सीडी करूँगा गिट एंड गिटअप। ओके, और यहाँ पे मैं जो भी मेरा इसका इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, गिट क्लोन करके, तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरा रिमोट रेपो पे जो चीज थी उसका एक कॉपी बन जाएगा मेरे लोकल सर्वर पे। ओके, फोर्क से क्या हो रहा था, जो मेरा दूसरा अकाउंट था गिटअप का, उससे मेरे अकाउंट पे पूरा कॉपी बन रहा था, और गिट क्लोन की हेल्प से क्या होने वाला है कि जो भी मेरा रिमोट सर्वर पे जो भी चीज़ें हैं उसका मेरा एक कॉपी बन जाएगा मेरे लोकल सर्वर पे। तो जो मैंने कॉपी किया वहाँ से उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरी यहाँ पे बूटस्ट्रैप मिनी प्रोजेक्ट का पूरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ये मेरे लोकल सिस्टम में इसका कॉपी बन जाएगा। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बूटस्ट्रैप मिनी प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें भी यहाँ पे मैं सीडी कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप मिनी प्रोजेक्ट करना है ना, तो इसको अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वीएस कोड में भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैं अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है ना, वो चीज़ अपन ऐड करने वाले हैं। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप मिनी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट डेस्क का फॉर्म इसको ओ करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे अपन चीज़ें इसमें लाइव जो चीज़ें अपडेट करें वो हमें शो कर रहे हैं। ओके ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लाइव सर्वर पे ये वाली चीज़ें ओपन हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म है ना, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट एस के बटन की जगह पर कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म आ जाए। तो वो किस तरीके से लेके आ सकते हैं, अपन बूटस्ट्रैप के कॉन्टैक्ट एस के फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं गूगल सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट एस फॉर्म इन बूटस्ट्रैप, ओके बूटस्ट्रैप 5 के हम यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं। तो वापस से यहाँ पे मैं कोई भी टेम्पलेट यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको कोई अच्छा सा फॉर्म होगा उसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे मेरे को कोई अच्छा सा दिखा नहीं, तो वापस से मेरे को कोई सर्च करना पड़ेगा क्रिएटिंग फंक्शनल बूटस्ट्रैप कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो ये वाला ही इस वाली चीज़ को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक अच्छा लग रहा है ये वाला चीज़ है, इसको यहाँ से मैं कॉपी किया और वापस से आता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर में। वीएस कोड एडिटर में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एक कॉन्टैक्ट एस एचटीएमएल से एक अलग से फाइल क्रिएट करता हूँ, कॉन्टैक्ट एस से कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल, ओके। और सबसे पहले यहाँ पे अपन बॉयलर प्लेट ऐड करते हैं। तो बॉयलर प्लेट ऐड करने के लिए सिंपल आपको इस तरीके से यूज करना है, और जो भी मैंने वहां से कॉपी किया है ना उसको यहाँ पे मैं एक कंटेनर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना, कंटेनर के अंदर डाल दूंगा और इस तरीके से मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और ये उसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मेरा पूरा एक जो मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस का फॉर्म था वो वाली चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुकी है। लेकिन ये मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो एक जो मेरा बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल होती है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले अपन को गेट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो इसका सीएसएस वाला बंडल है इसको कॉपी करके अपने उस वाली एचटीएमएल फाइल में इसको पेस्ट करना है, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको सेव किया हूँ, और वापस से चलता हूँ अपने लाइव सर्वर वाली चीज़ पे। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तो जो हमारे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल थी उसको हमने अभी यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया, तो हमें शो नहीं करेगा। तो उसके लिए आता हूँ अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा ये एल आई वाला आइटम है इसके अंदर यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सिंपल यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल इसको ऐड कर देता हूँ, वापस से चलता हूँ अपने लाइव सर्वर पर। अब पेज को यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और वापस से वो कॉन्टैक्ट इस वाले इस पर क्लिक करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा एक कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म इस तरीके से आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे सी एस एस वाले इसमें चलते हैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में, और जो इसका कॉलम है इसको कॉल 5 कर देते हैं, ओके। और अब से इसको सेव करता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, ओके। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा वो वाला प्रोजेक्ट था उसमें एक कॉन्टैक्ट एस का एक फॉर्म ऐड कर दिया, ठीक है। और वापस से मैं इसमें आता हूँ तो यहाँ पे मेरे जो नॉर्मल चीज़ें थी वो हो जाएगी, ओके। तो हमने क्या किया, एक अपना फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन करके देख लिया है। अब जो भी हमने चेंजेस किए हैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल ऐड की है, इसको अपन क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और वापस से हम जो भी चेंजेस किए उसको हम पुश कर देंगे, और पुश करने के बाद हम एक पुल रिक्वेस्ट करेंगे, ओके। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने वापस से आता हूँ अपने गिट बेस के टर्मिनल पे, और गिट बेस के टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं लिस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पे मेरी अलग से ऐड हुई है। तो सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी गिट स्टेटस चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं गिट स्टेटस चेक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने दो चेंजेस मेरे को यहाँ पे शो किए हैं। एक तो चेंजेस ये शो किया है कि जो आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है उसमें आपने कुछ चेंजेस किया है, और आपने एक अलग से फाइल क्रिएट की है, अलग से फाइल अपने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल आपने अलग से क्रिएट की है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने इसको चेंजेस किए हैं इसको दोनों को यहाँ पे मैं ऐड स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो वापस से मैं गिट स्टेटस चेक करता हूं, एंड गिट स्टेटस, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कमिट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट एंड मैसेज, और आप जो भी इसमें कमिट मैसेज आप पास करना चाहो वहां पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एड न्यू फाइल, ओके। और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या होगा कि ये चीज़ें मेरी एक कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट बन जाएगा, मतलब ये मेरी कंप्लीट सेव हो चुकी है, ओके। वापस से मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी ये बोल रहे हैं, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, ओके। तो ये हो गया मैंने किस तरीके से मैंने इसको चेंजेस कर दिए हैं, इसको कमिट कर दिया है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मैंने इसमें चेंजेस किए हैं इसको अपने अपने रिमोट रिपो में इसको पुश करने वाला हूँ, ओके। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या यूज करना है, गिट पुश एंड ओरिजिन
ओरिजिन और जो भी आपका ब्रांच नेम है, तो यहाँ पे मेरे ब्रांच नेम मैन, ओके यहाँ पे मैंने कोई अलग से ब्रांच क्रिएट नहीं किया, उस वाली ब्रांच में ही मैंने चीजें अलग से ऐड की हैं, ओके तो यहाँ पे मैं सिंपल गेट पुश ओरिजिन मैन, तो यहाँ पे मैं जैसे एंटर हिट करूंगा तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो वापस से पब्लिश हो जाएंगे, ओके तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। और अब मैं आता हूँ वापस से अपनी रिमोट रेपो पे, जो मैं इससे क्या करूंगा अपना उसमें उस वाली रेपो में अपने चेंजेस करने वाला हूँ, ओके तो अभी यहाँ पे मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप इंडेक्स जो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है वो अलग से यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पे कुछ अपडेट आ चुका है, ओके तो ये यहाँ पे मैंने इसमें चेंजेस कर लिए हैं, ओके यहाँ तक आपका आप आई होप आप भी इस तरीके से यहाँ तक पहुँच गए होंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं ना, वापस से मेरी उस वाली जो मेन रिपो थी ना उसमें इनको पुश करने वाला, मतलब मैं उसको पुल रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ओके तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, लेकिन हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको नहीं, चलो उसमें ही देख लेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पुल रिक्वेस्ट पे आना है, पुल रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ओके तो पुल रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको सिंपल क्या करना होगा कि तो क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे वो मेरे को यहाँ पे ग्रीन कलर में शो करा है, यहाँ पे मैंने ऐड किया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको आपको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना है, ओके क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट, एड न्यू फाइल, यहाँ पे मैं करूँगा एड कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल, ओके और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, ओके तो जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो जो मेरे दूसरा अकाउंट था वहाँ पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, वो मैं आपको शो करता हूँ कैसे आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और जो हमारी फर्स्ट वाली फाइल सॉरी गिटहब का अकाउंट था उस पर आते हैं, तो ये मेरा गिटहब का अकाउंट है जो मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा था इस पर, ओके वापस से यहाँ पे बूटस्ट्रैप मिनी प्रोजेक्ट पे आता हूँ। तो अभी अभी आप देख सकते हो कि मेरे को एक पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे मेरे को आया हुआ है, ओके यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट में क्या बोल रहा है ये कि एड टू कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल, किसने भेजा यहाँ पे, गगन दत्त से पुल रिक्वेस्ट आई हुई है, ओके अब मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको वापस इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस वाली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं वो सही है, अगर आप इसमें कुछ आप बोल रहे हो, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस जो किए हैं वो एक वैलिड चेंजेस हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो इस पुल रिक्वेस्ट को। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पुल रिक्वेस्ट को यहाँ पे मैं मर्ज कर लूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट डालूंगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल लगा रहा हूँ नाइस वर्क, ओके इसके यहाँ पे मैं कन्फर्म मर्ज कर देता हूँ, ओके अगर मेरे को नहीं करना होता तो उसको भी मैं इस तरीके से कर देता और कमेंट पास करना वो भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ओके यहाँ पे मैंने कमेंट भी ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मेरी जो मैंने पुल रिक्वेस्ट की थी इस वाले अकाउंट से, लेफ्ट वाले अकाउंट से, जो मेरे राइट वाले अकाउंट पे, वो मेरी यहाँ पे मर्ज हो चुकी है, ओके तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि जो आपकी पुल रिक्वेस्ट थी वो मर्ज हो चुकी है। तो वापस से आप इस पर भी देख सकते हो बूटस्ट्रैप मिनी प्रोजेक्ट, ओके हाँ ये भी चीज़ें हो गई ना, कि अभी अभी यहाँ पे शो कर रखा कि अनमोल 821 मर्ज पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे मेरी मर्ज जो मैंने पुल रिक्वेस्ट की थी वो मर्ज हो चुकी है, ओके और इसको आप अपने जो मेन अकाउंट था उस पर भी आप देख सकते हो। तो वापस से आता हूँ मैं इस वाले पे और इसको यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ, ओके अब यहाँ पे क्या होगा कि वापस से आता हूँ मैं बूटस्ट्रैप मिनी प्रोजेक्ट पे, लेकिन अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास दो चीज़ें दो कॉन्ट्रीब्यूटर आएंगे, ठीक है इसमें दो कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक तो जो अनमोल 821 है और एक मैं हूँ जो मैंने इसमें पुल रिक्वेस्ट किया है वो वाली चीज़ें, ओके तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अब जो भी आपका टेक स्टैक है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ओपन सोर्स जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो इजीली, ओके आपको लगता है उस चेंजेस करने उसमें आप चेंजेस कर सकते हो और एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो और जो आप उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा अगर उसको अच्छा लगता है चेंजेस तो उसमें मर्ज कर लेगा, ओके और वापस से आता हूँ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और शो करना चाह रहा हूँ, इस वाले जो इसका रेपो ओरिजिनल रेपो था उस पे इसको उसमें चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए वेबसाइट पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसका लिंक चेक करता हूँ, चेक इट आउट हेयर गिटहब पेजेस पे, ओके और यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा ऑनलाइन आ चुका लाइव सर्वर पे। तो और यहाँ पे मैं वापस से क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट पे, ओके तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने अपने लोकल सर्वर पे जो भी अपना कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल ऐड किया था वो यहाँ पर भी आ चुका है, ओके तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपन किस अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गिटहब पे, ओके आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और आपके अगर कोई भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई कर दूंगा, ओके तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।